मैं भी मेडिटेशन के बारे में सद्गुरु के एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने समझाया कि जो अपने आसपास के बारे में अवेयर रहता है वो इंटेलिजेंट है, और जो अपने अंदर से अवेयर है वो वाइज है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही फील करेंगे, और फीलिंग इसका रियल रिफ्लेक्शन है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब तक आप ये देखना शुरू नहीं करते कि आप जो सोच रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है, तब तक आपकी थिंकिंग या सोच ही रियल लगेगी। ऐसा लगेगा कि इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ वही फील करते हैं जो सोच रहे हैं, तो अपनी सोच को बदलकर अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। इसे समझकर आप हर टाइम कुछ अलग फील करने और अपनी पूरी लाइफ को बदलने से सिर्फ एक थॉट दूर है। मतलब जिस पल हम जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करते हैं तभी खुशी शुरू होती है। बहुत टाइम पहले एक यंग मॉन्क एक छोटे से मठ में अपने गुरु और मॉन्क साथियों के साथ रहता था, जो जंगल में एक छोटी झील के पास था। मठ में सभी मॉन्क्स को दिन में कुछ घंटे आंखें बंद करके शांत बैठे रहना होता था, और हर मेडिटेशन के बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट अपने गुरु को देनी होती थी कि कितनी शांति मिली। इस मॉन्क को कई डिस्ट्रैक्शन से अपने मेडिटेशन के दौरान फोकस करने में मुश्किल हो रही थी, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता था। जब मॉन्क ने अपने गुरु को इस परेशानी के बारे में बताया तो गुरु ने उसे एक आसान सा सवाल पूछा, जिसमें एक छिपा हुआ लेसन था। क्या तुम जानते हो कि सच में तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? मॉन्क ने जवाब दिया, जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करना शुरू करता हूँ, कभी कोई दूसरा मॉन्क आसपास घूम रहा होता है, कोई बिल्ली या जानवर मेरे सामने से निकल जाता है, या हवा चलती है और पेड़ की टहनियां हिलने से शोर होने लगता है, जिससे मेरा ध्यान भटक जाता है। अगर इनसे छुटकारा मिलता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं, जिससे लगभग हर टाइम मुझे इस जगह पर शांति से मेडिटेशन करने में परेशानी होती है। गुरुजी बोले, ये तो मेडिटेशन करने के दौरान होता ही है। तुम्हें इन्हें इग्नोर करके अपने अंदर फोकस करने पर ध्यान देने का तरीका ढूंढना चाहिए। उनके सजेशन के बाद वो मॉन्क मठ से बाहर चला गया और चारों तरफ एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जो शांत हो, ताकि वो शांति से मेडिटेशन कर सके। उसे झील के किनारे एक ऐसी जगह मिल गई। वो अपनी चटाई लेकर आया और बैठकर मेडिटेशन करने लगा। लेकिन जल्दी पक्षियों का एक झुंड उस झील के पास आकर चहचहाते हुए पानी पीने लगा। उनका शोर सुनकर मॉन्क ने आंखें खोली और देखने लगा कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन झील का किनारा मठ से शांत था, इसलिए वो कुछ दिनों तक झील के पास ही जगह बदल बदल कर मेडिटेशन करने लगा। एक दिन उसने किनारे पर एक नाव बंधी देखी। तभी उसके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं नाव चलाकर झील के बीच में चला जाऊं और वहां मेडिटेशन करूं। झील के बीच में मुझे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं होगी। और ये सोचते हुए वो नाव चलाकर झील के बीच में चला गया और मेडिटेशन करने लगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, झील के बीच में उसे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं थी। उसने पूरे दिन फोकस के साथ मेडिटेशन किया और दिन के एंड में मठ में लौट आया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मॉन्क अब बहुत खुश था कि आखिरकार उसे शांति से मेडिटेशन करने की एक जगह मिल गई। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन मॉन्क नाव में बैठा झील के बीच में गया और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उसने पानी के छींटों की आवाज सुनी और महसूस किया कि नाव हिल रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक नाव सीधी उनकी तरफ आ रही थी। वो चिल्लाया, अपनी नाव दूर ले जाओ, नहीं तो तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधे उनकी तरफ आती रही। वो फिर से चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं बदला, और आने वाली नाव मॉन्क की नाव से टकरा गई। अब वो गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो और तुमने इस बड़ी झील के बीच में मेरी नाव में टक्कर क्यों मारी? कोई जवाब नहीं मिला। इससे वो मॉन्क और भी गुस्सा हो गया। जब वो देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन है, तो ये देखकर हैरान हुआ कि नाव में कोई नहीं था। नाव शायद हवा में बहकर आई थी और उसकी नाव से टकरा गई थी। ये देखकर उसको अपना गुस्सा शांत होता नजर आया कि ये तो एक बस खाली सी नाव थी, इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। उस टाइम उसे अपने गुरु का वो सवाल याद आया, क्या तुम जानते हो कि सच में तुम्हें किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? अब उसे इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि ये खाली नाव, दूसरे लोग या सिचुएशन नहीं, बल्कि उस पर मेरा रिस्पॉन्स है जो मेरे गुस्से की वजह बनता है। सभी लोग या सिचुएशन जो मुझे परेशान करती या गुस्सा दिलाती थी, वो खाली नाव की तरह है। उनमें मेरे रिस्पॉन्स के बिना मुझे गुस्सा करने की शक्ति नहीं है। इस समझ के बाद मॉन्क नाव को वापस किनारे पर ले आया। फिर वो मठ में लौट आया और दूसरे मॉन्क के साथ मेडिटेशन करने लगा। चारों तरफ अभी भी पहले की तरह ही शोर और हलचल थी, लेकिन मॉन्क ने उन्हें खाली नाव की तरह माना और शांति से मेडिटेशन करता रहा। आई एम श्योर आप सभी इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हीं बातों को और भी डिटेल में समझने के लिए आज हम बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में बात करेंगे, जिसे जोसेफ नेग्वियन ने लिखा है। इस बुक समरी में आप यही जानेंगे कि क्यों हमारी थिंकिंग हर बार सही नहीं होती और कैसे ये ज्यादातर प्रॉब्लम की जड़ है, और थिंकिंग के आगे ऐसा क्या है जिसके साथ जुड़ने से
आप सिक्योर तो फील करेंगे ही, साथ ही ओवरथिंकिंग को अवॉइड करके हर पल खुश रहते हुए आगे बढ़ने का तरीका जान जाएंगे। ये वीडियो 7 पार्ट में है, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको थिंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब पर बेस्ट बुक समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम सोचते ही क्यों हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम नेचुरल लॉजिक के साथ चीजों को एनालाइज करते रहते हैं क्योंकि इससे हमें आज तक जिंदा रहने में हेल्प मिली है। इसी खूबी की वजह से हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता। इसका रिलेशन पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस को बनाए रखने से है, हमारी सेटिस्फैक्शन या खुशी से नहीं। दिमाग का काम हमें हमारे आसपास के ऐसे खतरों के बारे में अवेयर करना है जो हमारी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। ये अपना काम इतनी अच्छी तरह से करता है कि न सिर्फ हमारे आसपास के खतरों को स्कैन करता है बल्कि ऑब्जर्व करके हमारे पिछले एक्सपीरियंस और यादों के बेस पर यह अंदाजा लगाता है कि फ्यूचर में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और इसके नेचर में कुछ भी गलत नहीं है। दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसका काम हमें जिंदा रहने में हेल्प करना है, तो इसके ज्यादा सोचने से गुस्सा और निराश हो जाएंगे और हमारे अंदर का सारा स्ट्रगल और चिंताएं इसी गलतफहमी से आती हैं। जैसे दिमाग का काम हमें जिंदा रखना है, हमारी कॉन्शियसनेस का काम हमें अंदर से शांति, प्यार और खुशी को फील करके सेटिस्फाई करने में हेल्प करना है। दिमाग हमारी खुशी से पहले सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है, और पास्ट में ये चीज जरूरी भी थी, लेकिन अब आप इसे इसके काम से फ्री कर सकते हैं क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रहते जहां कोई भी जानवर झाड़ी के पीछे से आकर हमारी जान ले सकता है। अब हम एक सिक्योर सोसाइटी में रहते हैं जहां हमारी सिक्योरिटी के लिए घर की मजबूत दीवारें, पुलिस और लॉ है। अगर आप अब भी अपने दिमाग का यूज करते रहेंगे तो लगातार लड़ने, भागने, चिंता, डर, डिप्रेशन, गुस्से, नाराजगी और सभी नेगेटिव फीलिंग्स की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि माइंड अभी भी यही सोचता है कि पहले की तरह अब भी सब कुछ हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग से फ्री, खुश और पीसफुल रहकर प्यार से भरे रहना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग की बात सुनने की बजाय इससे आगे बढ़कर किसी महान चीज में जुड़ना होगा जो आपको न सिर्फ जिंदा रहने में हेल्प करे बल्कि फलने फूलने के भी रास्ते बताए। अब हम जानेंगे कि थॉट और थिंकिंग इन दोनों में कितना डिफरेंस है। सदगुरु कहते हैं स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स, यानी कि बस आप सोचना बंद करो, चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। थॉट एनर्जी और दिमाग के लिए रॉ मटेरियल है जिन्हें हम दुनिया में सब कुछ बनाने के लिए यूज करते हैं। बिना थॉट के हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। थॉट वो नहीं है जो हम करते हैं बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे पास है। एक थॉट के लिए हमारी तरफ से कोई एफर्ट या फोर्स नहीं लगता, और ये कुछ ऐसा है जो बस हमारे पास होता है। हम ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। थॉट किसी ऐसे सोर्स से आते हैं जो हमारे दिमाग से परे है, जैसे यूनिवर्स या भगवान। दूसरी तरफ थिंकिंग हमारे थॉट के बारे में सोचने का प्रोसेस है। इसमें काफी एनर्जी, एफर्ट्स और विल पावर ये सब लगते हैं जो हम सभी के पास लिमिटेड है। थिंकिंग ही हमारे सभी दुखों की मेन वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। तो पॉजिटिव थॉट्स या जो थॉट्स हमें अच्छे लगते हैं वो थिंकिंग का रिजल्ट नहीं है, वो हमारी शांति, प्यार और सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आते हैं। आइए एक प्रैक्टिस से समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आप एक साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं, यहां रुकें और जवाब आने का इंतजार करें। आंसर के बारे में सोचने के लिए अपने आप को 30 से 60 सेकंड का टाइम दें। जब तक आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक अगले स्टेप पर ना बढ़े। अब उस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई करें। जब हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप अपनी इस नई इनकम के बारे में क्या सोच रहे थे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। इसे ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 30 से 60 सेकंड का टाइम लें और देखें कि जब आप उतने पैसे कमाते हुए अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को फील करते हैं तो आपके सामने क्या थिंकिंग आती है। अब आइए एनालाइज करें कि क्या हुआ। जब मैंने पहला सवाल पूछा कि आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में एक जवाब आ गया। ये एक थॉट है। ध्यान दें कि ये बहुत ही जल्दी और आराम से आया। आपके दिमाग में एक आंसर आने के बाद मैंने आपसे अपने आंसर के बारे में सोचने के लिए कहा। एक बार जब आपसे अपने जवाब के बारे में सोचने के लिए कहा तो क्या हुआ। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं
तो जब आपने इस थॉट के बारे में सोचना शुरू किया तो सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है, फैमिली में भी कोई इतना पैसा नहीं कमा रहा है, आप नहीं जानते कि इतना पैसा कैसे कमाया जाए, इतना पैसा कमाने की चाहत रखना बेवकूफी है या ये आपको लालची बना देगा। ध्यान दें कि जब आप उन थॉट्स के बारे में सोच रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ, शायद ये उतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इट्स ओके, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये थॉट वर्सेस थिंकिंग का एक अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो 100% आपके मन में एक थॉट आएगा। थॉट नेचुरली बुरे नहीं होते। याद रखें कि ये ऐसे एनर्जेटिक रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। जिस पल हम अपने थॉट्स के बारे में थिंकिंग करते हैं तभी एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर जाने लगते हैं। जब हम अपने थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो हम उन थॉट्स को जज और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर इमोशनल उथल पुथल होने लगती है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके मन में अमाउंट के बारे में थॉट आया। वो थॉट न्यूट्रल था और इससे कोई इमोशनल दुख नहीं हुआ। रियलिटी में आपने इसके बारे में सोचकर अच्छा और मोटिवेटेड फील किया होगा। दुख तब हुआ जब आपने उस थॉट के बारे में सोचना शुरू किया कि कितना कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट, इनएबिलिटी, चिंता, गुस्सा, गिल्ट फीलिंग या कोई दूसरी नेगेटिव फीलिंग आने लगी। सिर्फ एक चीज जो यूजफुल और हेल्पफुल थी वो इनिशियल थॉट था जो आपके मन में तब आया जब मैंने पहली बार पूछा कि आप कितना कमाना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वेस्ट था। थॉट क्रिएशन करते हैं, थिंकिंग बर्बाद कर देती है। जैसे हम थॉट के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स, डिसीजन, ब्लेम, प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग को उस थॉट पर डाल देते हैं और एंड में उन रीजन के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जबकि नॉन थिंकिंग स्टेट में हम इस तरह की सभी नेगेटिव प्रोग्रामिंग और डिसीजन को, आप जो बनना चाहते हैं उसके इनिशियल थॉट को कमजोर करने से रोकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर थिंकिंग परेशानी की जड़ है तो हम थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। एक क्राउडेड माइंड में पीसफुल दिल की जगह नहीं बसती। इसके लिए दिमाग को भी पीसफुल होना चाहिए। एक बार एक पावरफुल समुराई एक संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में डूबे हुए थे। उस पावरफुल लेकिन असभ्य समुराई ने अपनी कड़क आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताओ। जैन संत ने अपनी आंखें खोली और समुराई के चेहरे की तरफ देखा और बोले, मुझे तुम्हारे जैसे फूहड़ इंसान को कोई जवाब नहीं देना। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना चाहिए। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे फिजूल के सवालों के लिए टाइम नहीं है। समुराई ये अपमान सहन नहीं कर सका और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर संत की तरफ बढ़ने लगा। समुराई की आंखों में ये गुस्सा देखते हुए जैन संत बोले, यही नरक है। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे दिमाग ने अपना खुद का नरक बना लिया है जो गुस्से, नफरत और सेल्फ डिफेंस की फीलिंग से भरा हुआ है। संत की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो अंदर से इतना दुखी था कि उस आग को बुझाने के लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार था। ये समझने के बाद समुराई की आंखें आंसुओं से भर गई। अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए संत से माफी मांगी और उनकी तरह अंदरूनी शांति और खुशी को कैसे पाया जाए इसे सिखाने के लिए रिक्वेस्ट की। संत ने एक मुस्कान के साथ धीरे से उसकी माफी को एक्सेप्ट किया और बोले, यही स्वर्ग है। थिंकिंग को पूरी तरह से बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वह सोचने में लगने वाले टाइम को कम करना, ताकि हर दिन बीतने के साथ वो दुख छोटा होता जाए और एंड में आप उस जगह पहुंच सके जहां ज्यादातर टाइम पीसफुल और खुशी से रहें। अपनी फिजूल की थिंकिंग को रोकने के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसके लिए एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए अवेयर रहना है। जब हम इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, तो ये अवेयरनेस अपने आप हमें उस थॉट से अलग कर देती है, जिससे परेशान करने वाले थॉट अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं या उस परेशानी को सॉल्व करता हुआ कोई आइडिया मिल जाता है। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको एक गंदी मिट्टी से भरा पानी का कटोरा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को साफ कैसे करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ईमानदारी से ये भी बताना कि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ क्या वही था या कुछ और था। ज्यादातर लोग पानी को छानने या उबालने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि अगर हम गंदे पानी के कटोरे को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो गंदगी पानी में अपने आप जमने लगती है और थोड़ी देर के बाद पानी साफ हो जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर हम अपनी सोच को फिल्टर या उबालने की कोशिश किए बिना वैसे ही रहने दें तो थिंकिंग अपने आप शांत हो जाएगी और हमारा दिमाग उससे फ्री हो जाएगा। जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन का सामना करें तो याद रखें, आपके पास हमेशा क्लैरिटी, प्यार, खुशी, शांति और सेटिस्फैक्शन पाने के अनलिमिटेड सोर्सेज मौजूद हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये नेगेटिविटी सिर्फ आपकी थिंकिंग है, आप नहीं।
पीसफुली इस बात को याद करें कि सूरज हमेशा के लिए गायब नहीं होता, वो जल्दी फिर से उगाता है। इस समझ से आप जिस तरह यूनिवर्स में रात के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उसी तरह अपनी लाइफ के यूनिवर्स में नेगेटिव थिंकिंग की रात के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि वो आपको शांत करके कुछ सिखाने आए हैं। अब हम ये जानेंगे कि नॉन थिंकिंग स्टेट में आने के लिए क्या करें। सच तो ये है कि हम जानते हैं कि क्या करना है, बस इसे करने से डरते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करने की जरूरत है। वजन कम करने का फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके लिए ज्यादा कैलोरी बर्न करनी है, जिसके लिए एक्सरसाइज और हेल्दी खाने की जरूरत है। वजन अपने आप कम हो जाएगा। लाइफ में भी हर चीज के लिए हम लगभग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, कर क्यों नहीं पाते। तो ऐसा दो रीजन से होता है। पहला, आप डर या सेल्फ डाउट की वजह से जो करना चाहिए वो नहीं करते। अगर आप इस रुकावट को पार कर लेते हैं तो अपने इनर माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं करते कि आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है, बाकी का रास्ता ये अपने आप दिखा देगा। हम जो चाहते हैं उस तक पहुंचने के हमारे पास हजारों आइडियाज हैं। एक चीज जो हमें वहां पहुंचने से रोकती है वो है हमारी सोच। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही टाइम आप सही हैं। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो तुरंत अपने आप को उन लिमिटलेस पॉसिबिलिटी से रोक लेते हैं जो किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे तोड़ते और फील करते हैं कि ये सिर्फ हमारी सोच है जो रोक रही है, तो हम ऑटोमेटिक अबंडेंस और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज वाली दुनिया की तरफ लौट आते हैं, और उस पल में हमें जो भी चाहिए उस चीज का जवाब अवेलेबल होता है। अब ये समझते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कैसे करें। स्टीव जॉब्स कहते हैं, अपने दिल और इनर विजडम को फॉलो करने का साहस रखें। ये पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। अपने इनर विजडम को सुनना डरावना और बेहद चैलेंजिंग इसलिए लगता है क्योंकि हमारी इनर विजडम या पैशन एक अनजान जगह में एग्जिस्ट करते हैं। इनर विजडम स्पिरिचुअल है और ऐसी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से जुड़ी रहती है जो हम नहीं जानते एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, इसलिए हमेशा अनजान जगह जाने से डरते हैं। लेकिन जब आप इस अनजान जगह कदम रखते हैं तभी उन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं जो पहले से मौजूद हैं, बस आपकी लाइफ में मिरेकल आने का इंतजार कर रही हैं। यही वजह है कि जब हम अपने इनर नॉलेज पर भरोसा करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। इसलिए आप जो रियल में चाहते हैं उसका सिर्फ क्या जानना जरूरी है, कैसे नहीं, और मिरेकल की जगह आने का सिर्फ एक ही तरीका है, नॉन थिंकिंग। अगर आप अब भी थिंकिंग करते हैं तो तुरंत इस यूनिवर्सल पावर से बाहर निकलकर चिंता की कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच पास्ट के बेसिस पर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि क्या हो सकता है, और वही करने के लिए कहेगी जो आज तक करते आए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जो उन्हें हमेशा से मिलता आया है, क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड माइंड जो अब तक समझे हैं सिर्फ उसका यूज करके कुछ ऐसा ही बनाने के लिए करते हैं जो पहले हो चुका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंफर्टेबल रहें। लेकिन जब आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिसे आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसके लिए आपको वहां जाना होगा जहां पहले नहीं गए हैं। इन शॉर्ट, इनर विजडम हमेशा जानती है कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है, इसलिए अपनी मनचाही चीज तक पहुंचने के लिए नॉन थिंकिंग स्टेट में आ जाएं। जब आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका लॉजिकल माइंड घबरा जाएगा, क्योंकि आप एक अनजान जगह पर कदम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप याद रखें कि सिर्फ सोच ही है जो आपको डरा रही है, तो ये डरावनी सोच दूर हो जाएगी। इस टाइम आपको गाइडेंस के लिए अपने इनर विजडम, सबकॉन्शियस माइंड या भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसे पाने के लिए आपको वो करना होगा जो आपने नहीं किया है। अब हम ये समझते हैं कि मिरेकल्स के लिए स्पेस बनाना कितना जरूरी है। आप जितना बड़ा मिरेकल चाहते हैं पहले उसके लिए उतना स्पेस बनाना जरूरी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत थे, लोग दूर दूर से उनकी हेल्प लेने के लिए आते थे। संत लोगों को तकलीफों से छुटकारा पाने और खुश रहने की शिक्षा देते, और बद में लोगों से जो बन पड़ता उन्हें देकर जाते। एक दिन एक विद्वान संत अपनी नॉलेज दिखाने के बहाने उनसे सलाह लेने के लिए आया। विद्वान ने कहा, मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना चाहता हूं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सिखा दूंगा। संत ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, वो घमंडी विद्वान बोला, हाँ मुझे ये मालूम है, कुछ और बताइए। संत ने स्पिरिचुअलिटी के दूसरे पहलू को समझाना शुरू किया, फिर वही हुआ, और इसी तरह कुछ देर तक चलता रहा। जल्द ही ये साफ हो गया कि वो विद्वान अपने ओपिनियन और नॉलेज में ही डूबा हुआ था, इसलिए वो बार बार संत को अपनी बातों के बीच बीच में टोक रहा था, और संत जो उसे समझाना चाहते थे उसे समझ नहीं रहा था। संत उसे एक ग्लास में पानी देते हुए बोले, पानी पीकर थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। संत के एक शिष्य ने उस विद्वान को प्याला दिया,
और उसे पानी से भरने लगा। प्याला भर गया था, तब भी शिष्य उसमें तब तक पानी डालता रहा जब तक कि वो पानी बहकर बाहर फर्श और उस विद्वान के कपड़ों पर नहीं गिर गया। विद्वान चिल्लाते हुए बोला, रुको, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? प्याला पहले से ही भरा हुआ है, तो फिर और पानी क्यों डाल रहे हो? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इस प्याले की तरह हैं, अपने विचारों से इतने भरे हुए कि इसमें और कुछ भी नहीं समाएगा, इसलिए खाली प्याले की तरह ही मेरे पास वापस आना, तभी मैं कुछ तुम्हें सिखा सकता हूँ। जब हम यूनिवर्स और क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ कुछ भी नहीं से आता है, इसलिए महान फिलोसोफर इसे द ग्रेट नथिंगनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ भी होने के लिए सबसे पहले उसके लिए स्पेस होना चाहिए। यही बात हमारे माइंड के लिए भी सच है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नया बनाया जाए, जैसे नए थॉट्स, तो आपको सबसे पहले उसके लिए जगह बनानी होगी, ताकि आप ऐसे नए थॉट रिसीव कर सकें जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। पानी के प्याले की तरह अगर आपका दिमाग पूरी तरह से पुरानी सोच से भरा हुआ है, तो आप जो बदलाव चाहते हैं उसे करने के लिए दिमाग में किसी भी नए आइडिया का आना इम्पॉसिबल है। जैसे ही हम सोचने के लिए अपने एफर्ट्स को रोकते हैं, हम तुरंत एक जगह बनाते हैं जहाँ नए थॉट्स और आइडियाज हमारे दिमाग में एंटर कर सकते हैं। सारा जादू शून्यता की जगह में होता है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छे एथलीट अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे रोनाल्डो जैसे बेस्ट एथलीट जानते हैं कि उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस पर बने रहने के लिए ट्रेनिंग के साथ आराम की भी उतनी ही जरूरत है। इस रेस्ट पीरियड के दौरान वो अपनी इंजरीज को ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करके जो मसल्स बनाई हैं उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, और ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है उसे अपने अंदर बसाने के लिए खुद को टाइम देते हैं। यही वो जगह है जहां सब कुछ मिलता है जो वो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से चाहते थे। जब थॉमस एडिसन को किसी मुश्किल चीज का सामना करना पड़ता था, तो अपने दोनों हाथों में स्टील की गेंद को पकड़कर अपनी कुर्सी पर सो जाते थे। जब गहरी नींद में चले जाते थे तो गेंद हाथ से गिर जाती थी, जिससे वो जाग जाते और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आ जाता था। वो जानते थे कि सब कुछ कुछ भी नहीं से आता है, इसलिए एडिसन ने अपने पुराने तरीके से सोचने के तरीके के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय नए आइडियाज को अपने दिमाग में आने के लिए स्पेस बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है जो मुझे भी बहुत पसंद है, हम कॉन्शियसनेस के उसी लेवल का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल पर वो आई थी। आइंस्टाइन भी एडिसन की तरह ही अपनी तरह से इस तरीके को अपनाते थे, लेकिन स्पेस बनाने की दोनों की समझ एक जैसी थी। जब आइंस्टाइन किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस जाते थे, तो वो उस पर काम करना बंद कर देते थे और वायलिन बजाने लगते थे या बाहर खेलने चले जाते थे, जिससे वो जब खेल रहे होते थे तो कहीं से अचानक उनका आंसर आ जाता था। हमें हर चीज का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी है। यहां तक कि जिन लोगों को हम टैलेंटेड मानते हैं, उन्होंने भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन करने के लिए सोचने के लिए स्ट्रेस या बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम उनसे अलग नहीं हैं और हम सभी एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए समझदारी तो यही कहती है कि हमें भी इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ताकि आप भी सोर्स ऑफ एनर्जी से अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हों, तो इस तरह से डिवाइन पावर से अपने सॉल्यूशन को ढूंढें। इस बात से अवेयर रहें कि आपकी थिंकिंग ही सभी नेगेटिव फीलिंग्स की मेन वजह है। लॉजिकल माइंड से किसी भी मैनुअल थिंकिंग को त्याग कर नए आइडिया के लिए स्पेस बनाएं, और पूरा विश्वास रखें कि आपकी इनर विजडम, भगवान, यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड या जिस भी रूप में आप इस पावर को मानते हैं, वो आपको जवाब देगी। ये उन पर छोड़ दें कि जवाब आपको कब और कैसे मिलेगा। अपने आप को उनके भरोसे कमिटेड करते टाइम उठने वाली हर फीलिंग के लिए अवेयर रहें, और प्यार, शांति और खुशी की फीलिंग्स पर ध्यान देकर उन्हें आगे बढ़ाएं। आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं उसे प्यार से पूरा करें, और जवाब आपके पास अपने आप आ जाएगा। अगर ये बहुत सिंपल लगता है तो अच्छी बात है, सच हमेशा सिंपल होता है। हालांकि ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कब आप अपनी थिंकिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुद को दोबारा उस चीज पर थिंकिंग करते हुए पाते हैं तो क्या करते हैं। जब तक आप लगातार याद रखते हैं कि हम सिर्फ वो फील कर सकते हैं जो सोच रहे हैं, और वो सोच ही हमारे सभी दुखों की मेन वजह है, तो आप आजाद हैं। इस बुक समरी के आखिरी चैप्टर में हम ये समझेंगे कि नॉन थिंकिंग स्टेट में आने के लिए क्या रुकावटें सामने आती हैं और उनसे कैसे बाहर निकला जाए। एक बार जब आप अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे जीना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में ज्यादा चिंताएं, स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उनमें से कई आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप चीजों को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं तो वो सचमुच आपके लिए प्रॉब्लम बनना बंद कर देंगी। अब आप पाएंगे कि आपने अपनी लाइफ में इस तरह की शांति और स्टेबिलिटी पहले महसूस कभी नहीं की थी, और इस तरह ये एक अननोन फीलिंग की तरह महसूस होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अनजान चीजें पसंद नहीं है,
क्योंकि इसका मतलब इनसिक्योरिटी है। हैरानी की बात यह है कि इस टाइम ज्यादातर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ गलत है, क्योंकि वो दिन के ज्यादातर टाइम बहुत खुश और पीसफुल महसूस कर रहे थे। ऐसे में ये जो अनजान फीलिंग आई है, ये कुछ गलत है। बहुत से लोगों को इस टाइम ऐसा लगता है कि वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करना कम कर दिया है, या बस वो आलसी हो गए हैं। ये सोच सच्चाई से बहुत दूर है और ये सिर्फ आपका दिमाग है जो सिक्योरिटी का भ्रम पैदा करने के लिए फिर से वो दुखी करने वाली बात सोचने की कोशिश कर रहा है। सच तो ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम तब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं, जब हम प्योर खुशी की कंडीशन में होते हैं। तो टाइम तेज एरोप्लेन की तरह इसी तरह तेजी से उड़ने लगता है कि इसका पता ही नहीं चलता। काम आसानी से होने लगते हैं, हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम बहुत ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और कहीं से भी मिरेकल होने लगते हैं। इन सब के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास रखें कि चीजें ठीक हो जाएंगी और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। हर चीज किसी रीजन से होती है और लाइफ में कोई फेलियर नहीं है। हर चीज हमारी ग्रोथ के लिए लेसन्स और अपॉर्चुनिटी होती है। आपको इस अनजान पावर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही एक स्पेस है जहां हम जिस लाइफ को अभी जी रहे हैं उससे अलग कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है। यहां वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं। एक बार जब आप में इस अनजान स्पेस में छलांग लगाने और उससे ना डरने की हिम्मत आ जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है कि आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीसफुल और सेटिस्फाई फील करते हैं, तो ध्यान रखें कि ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपका दिमाग सबसे बड़ा सेल्समैन है और वो जानता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग के जाल में वापस लाने के लिए क्या कहना चाहिए। हम या तो इस अननोन पावर में पूरी आजादी और खुश रहने का ऑप्शन चुन सकते हैं, या नोन चीजों में एक लिमिट के अंदर विक्टिम बनकर रहने का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप फिर से थिंकिंग में पड़ जाते हैं तो परेशान ना हो, ये नेचुरल है। ऐसा होने पर गिल्ट फील ना करें। अपने आप को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वो सोच वैसे ही कायम रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखें, थिंकिंग ह्यूमन नेचर है। बस एक बार जब आप ये देख लेते हैं कि आपकी सोच आपके दुख का कारण बन रही है, तो खुद को फिर से शांति, खुशी और प्यार की कंडीशन में लाने के लिए बस इसे बदलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मनचाहा बदलाव बिना किसी इमोशनल पेन के आसानी से हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की बुक समरी। आई एम श्योर आपने इस बुक समरी से कुछ डीप लेसन जरूर समझे होंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किन लेसन्स ने आपके दिल को छू लिया और जो आपको बहुत ही सही लगे कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।